एक और बड़ी खबर खरसिया से, जहां पर हावड़ा शिरडी ट्रेन में आग लग गई है। ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। भूपदेवपुर स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। हालात तो फिलहाल काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया है। शिरडी के लिए ये ट्रेन रवाना हुई थी। खरसिया हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस ट्रेन की पूरी घटना है, जहां पर आग लगी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर है। इस तरह से धुएं का गुबार ट्रेन के अंदर से निकल रहा है और तमाम रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी इस दौरान मौजूद हैं। भूपदेवपुर स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। हालात पर काबू पाने के बाद ट्रेन को अब रवाना कर दिया गया है। तो बड़ी खबर खरसिया से, जहां पर हावड़ा शिरडी ट्रेन में आग जलने की घटना हुई है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रेन में आग लग गई, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीर दिखा रहे हैं इंजन में से किस तरह से धुएं का गुबार, धुआं ही धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। और जिसके बाद हालात के काबू पाने के बाद ट्रेन को यहां से रवाना किया गया। इस दौरान रेलवे के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। यात्रियों को अभी सुरक्षित बाहर निकाले जाने की खबर यहां पर मिल रही है। भूपदेवपुर के स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर अचानक चलती हुई ट्रेन में आग लग गई। ये ट्रेन शिरडी जा रही थी। हावड़ा शिरडी ट्रेन का यह पूरा मामला है। वह भूपदेवपुर स्टेशन के पास ट्रेन में आग लगने की सूचना लोगों पायलट को लगी। इसके बाद ट्रेन को रोका गया और कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया गया। फिलहाल खबर यह है कि हालात सामान्य है और ट्रेन को यहां से रवाना कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण नायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोपाल, खबर कैसी हुई घटना और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? ये हावड़ा से जा रही थी शिरडी ट्रेन जी। और जैसे ही रायगढ़ क्रॉस की थी, रायगढ़ से किरोड़ी मल से आगे भूपदेवपुर स्टेशन है, उसके पहले बोगी से धुआं निकलने लगा और यात्रियों में अफरा तफरी मचा। इस बात की जानकारी ट्रेन के चालक को होते ही आउटर भूपदेवपुर स्टेशन के आउटर में रोक कर आग बुझाने का प्रयास किया। एक घंटा में करीब आग बुझा लिया और अपने गंतव्य शिरडी के लिए ट्रेन रवाना हो गई है। किसी यात्री हताहत नहीं हुए हैं, परंतु अफरा तफरी के माहौल में एक घंटे यात्री दहशत में थे। गोपाल, आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, कैसे ट्रेन की बोगी में आग लग गई, किन कारणों से आग लगी? लोग यात्रा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि अचानक से ट्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होने के उपरांत धुआं का गुब्बारा उठने लगा और अपने सामान और एसी बोगी को छोड़कर इधर उधर लोग ट्रेन के अंदर भागने लगे और मच गई अफरा तफरी। चलिए, शुक्रिया गोपाल जानकारी के लिए।